गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। नए दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है। और कल हमने टेस्ट ऑफ इंडिया से ऑर्डर किया था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमारे चार रेस्टोरेंट फिक्स है, उसमें से ये एक है। कल हमने टेस्ट ऑफ इंडिया से मंचूरियन और पनीर ऑर्डर किया था। पनीर में क्या है ना, उन्होंने पनीर की क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी दी थी ना। तो क्या होता है, जनरली पनीर की सब्जियों में पनीर काउंट हो जाता है कि चार पनीर डाले, पांच पनीर डाले। टेस्ट ऑफ इंडिया वाली सब्जी में ये नहीं थी। और मंचूरियन में पांच पीसेस आए थे और वो स्पाइसी था बट अच्छा लग रहा था यार, क्योंकि यहाँ पे क्या ब्लेंड खाना मिलता है ना, टेस्टलेस। इंडियन खाना भी हो वो सबको देखते हुए बनाते हैं ब्लेंड खाना, बट यहाँ पे स्पाइसी खाना खा के अच्छा फील होता है यार। और अगर आपको आईफोन लेना है तो नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाएगा। 50 पाउंड की ईएमआई आएगी पर मंथ और 2 साल तक चलेगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये स्कीम अवेल की है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं सोच रहा हूँ यार क्विकली पहुँच जाऊँ ना, तो कल जैसी बारिश चालू हो गई ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। डैफोडिल्स हर जगह है, ये पिंक फ्लावर से देखने को मिल गए हैं यहाँ पे, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं यार। मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, एक ऐड आया था कि मेयर की तरफ से, मेयर ऑफ लंदन की तरफ से, कि वो ट्रेन फेयर्स नहीं बढ़ाने वाले हैं, उसको फ्रीज कर दिया उन्होंने। और इसका रीज़न ये है, लंदन में अभी इलेक्शन होने वाले हैं ना, तो उस चक्कर में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कोई भी लैंडमार्क प्लेस ले लो ना, अगर वो खाली दिखती है ना तो अच्छी वाइब्स नहीं देती है। आज यहाँ देख लो इतनी भीड़ दिख रही है, बारिश होती है तो एकदम कम हो जाता है क्राउड, तो एक अच्छी बात है यार। समर भी आ रही है और लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, तो एक अच्छी वाइब्स आती है एक लैंडमार्क प्लेस पे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक कपल आया था प्री वेडिंग शूट करवाने के हिसाब से, वो लग ही जाता है यार कि जिस हिसाब से वो शूटिंग करते हैं, कैमरा मैन कहते हैं कि इस हिसाब से पोज करो। कई भी मेरे को अपने प्री वेडिंग शूट की याद आ गई, जब कैमरा मैन ने इतना परेशान किया था ना, इस एंगल से शूट करो, इस एंगल से ऐसा लो, ऐसा करो। बाकी यहाँ पे लोग रील्स भी बना रहे हैं, बहुत सारे कैमरास भी आ गए, मतलब अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है ना। तो कल मैं जब बारिश में आता कोई था ही नहीं तो बोर हो जाता है यार। आज मैंने न्यूज़पेपर उठाया स्टेशन से, और उठाया इन द सेंस ऐसा है कि फ्री मिलता है मॉर्निंग में और इवनिंग में। उसमें एक कंसेप्ट आपके साथ शेयर करना था जो मेरे को यहाँ पे आके पता चला। यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है फ्यूनरल डायरेक्टर्स। फ्यूनरल डायरेक्टर्स क्या होता है ना, कि जैसे इंडिया में किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ के रिलेटिव्स आते हैं, वो सब पूरा प्रोसेशन पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा टेक केयर कर लेते हैं रिलेटिव्स ही। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनल्स होते हैं वो। आप ड्यूरिंग लाइफ आप उनके पास जा सकते हो, आप अपनी इच्छाएँ बता सकते हो कि मुझे अपनी फ्यूनरल प्रोसेशन इस तरीके से चाहिए। तो वो एड में दिखा रहा था कि एक बंदे को फ्यूनरल चाहिए थी मोटर बाइक्स की, कि उसकी फ्यूनरल में जब उसकी डेथ हो जाए सब मोटर बाइक्स पर आए और उस तरीके से उसकी फ्यूनरल ऑर्गेनाइज हो। तो ये फ्यूनरल डायरेक्टर्स होते हैं, चार्जेस लेते हैं अपने और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ये चीज़। तो ये मुझे चीज़ बहुत यूनिक लगी है, मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ ये चीज़। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था ना फ्यूनरल डायरेक्टर्स की, तो एक एडवर्टीजमेंट आया है, कोऑप इज़ वन ऑफ द कंपनीज जो ये सब चीज़ें करती है। तो यहाँ पे टॉनी की बात कर रहे थे जिसने बोला था मोटर बाइक प्रोसेशन चाहिए, और अगर आपको और हेल्प चाहिए तो इधर जा सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। बाकी अब थोड़ी शार्क टैंक इंडिया की बात कर लेते हैं। कल मैं एक एपिसोड देख रहा था, उसमें एक एपिसोड में एक पिच आई थी क्रीमे कैसल की, जो केक बनाती है कस्टमाइज्ड केक, और वो ये प्रॉमिस करती है कि 2 घंटे में आपको केक डिलीवर कर देगी और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो क्विकली कंप्लीट कर देगी। और आई थिंक यार दिस इज काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इन द सेंस, आप देखो ना, जब भी कस्टमाइज केक की बात आती है, जब मैं हमेशा जब कस्टमाइज केक ऑर्डर करता था वो कहता था भाई 10 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, 5 दिन पहले, बट यहाँ पे ये बोल रहे 2 घंटे में आपको डिलीवर करके देंगे। और वो बंदा, वो माँ बेटे थे ना, वो बंदे ने पूरे केक इंडस्ट्री को असेंबली लाइन पे लगा दिया, पूरा एक प्रोसेस बना दिया है, विच इज काइंड ऑफ समथिंग विच ब्लू माई माइंड यार, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि केक इंडस्ट्री कस्टमाइज केक को आप प्रोसेस लाइन में डाल सकते हो। और बंदा जिस क्लैरिटी से जवाब दे रहा था ना, वो काबिले तारीफ था।
लंच के बाद नीचे वॉक करने आया हूँ और सोच रहा हूँ कुछ मंचिंग के लिए टेस्को से ले लूँ। एनर्जी बार हो गई, चिप्स हो गई, तो अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक प्रोटीन बार ले लूँ यार, इसको एक खाने से भूख मिट जाती है यार। और भी बहुत सारी वैरायटीज है, ये पीनट बटर है, चॉकलेट नट है, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली ले लेता हूँ यार, चॉकलेट वाली। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, अभी ईस्टर आ रहा है ना, इसलिए उन्होंने काउंटर इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे कंसेप्ट चलता है मील डील का, ये टेस्को का कंसेप्ट है। और इसमें क्या होता है, मील डील में तीन आइटम्स आते हैं। एक तो मेन हो जाता है, सैंडविच हो गया या फिर और भी कुछ आइटम, फिर स्नैक्स हो जाता है, चिप्स, और फिर तीसरा हो जाता है ड्रिंक। तो इसको पूरा मील डील बोलते हैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यही खाते हैं रेगुलर बेसिस पे। अभी तो इस मील डील का रेट है ना बढ़ गया है, अभी अप्रॉक्सीमेटली 3.90 में मिलता है, पहले शायद 3.40 या 3.50 का रेट था। और जैसे ही टेस्को ने रेट बढ़ाया था ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो यहाँ के लोकल है ना, वो इतना हो हल्ला करने लगे था ना कि यार रेट बढ़ गई है, रेट बढ़ गई है। मैं सोचा था यार 40 पैसे तो बढ़ा है, 50 पैसे तो बढ़ा है, क्यों रो रहे हो, बट यार फिर यहाँ पे लोग करते हैं ऐसा। ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये हिल्टन है, हिल्टन होटल। अब मैं सोच रहा हूँ इसका रेंट क्या होगा पर नाइट का, आप बताना मुझे कॉमेंट बॉक्स में गैस करके। चलो यार लंच ब्रेक ओवर हो गया, 30 मिनट्स हो गए, वापस जाता हूँ डेस्क पे और उससे पहले हॉट चॉकलेट ले लेता हूँ। चलो यार फाइनली लॉग ऑफ कर ही दिया है और अपनी कैब का मैं वेट कर रहा हूँ और वापस आज लेट घर जा रहा हूँ, तो बाहर से ऑर्डर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।